कुछ नहीं, बस आ रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कर। हाँ बस आ रहा हूँ। और भाई कैसे है? बस बढ़िया हूँ यार। अरे वो नई मूवी निकली, चल रहा है देखने? यार लकी का वेट कर लेते हैं। और मेरे भाई तू कैसा है? बस मस्त हूँ यार। अरे क्या लकी भाभी का वेट कर रहा था? नहीं यार ऐसे आया था। क्या बात कर रहे? अरे सर मूवी देख के आते हैं। कौन सी? ट्रांसफॉर्मर। चलो चल भाई चल, अच्छी है मूवी। चल अरे आदिल यार, मूवी का वीएफएक्स बड़ा गजब है यार। अरे मुझे भी बहुत अच्छा लगा उसका पूरा यार। अरे यार तू क्यों मजाक कर रहा है? लकी 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 सही है यार, एक नंबर मूवी थी यार। जो CO2 मूवी का एनिमेशन और शानदार लगा यार, सच्ची। हाँ भाई बिल्कुल सही, मस्त है यार, मेरे को भी अच्छा लगा। चलो कहाँ चलना है? घर चलो यार। यार मुझे मूवी का एनिमेशन बहुत अच्छा लगा यार। ये हॉलीवुड वाले इतना अच्छा काम कर कैसे लेते हैं यार? सच बोला है यार, आई वांट टू सी दिस मूवी अगेन। हां देखते हैं यार, सच्ची में मुझे इस मूवी का क्लियर यार, आई लाइक दिस मूवी यार वेरी मच। हां यार क्या एनिमेशन करते हैं। अरे भाई नीचे ले रहा है। हाँ यार, अरे उस कैरेक्टर को देखा था यार। हाँ यार सच्ची यार, क्या ऑसम कैरेक्टर बना। हाँ यार मैं मान गया हॉलीवुड वालों को तो। सही है यार, क्या बनाते हैं आप। बोला यार मेरे भाई, बनाते हैं यार, मजा आता है। चलो बोलो भाई लोग, कहाँ चलना है? आप कहीं नहीं आए, चलते और क्या चलना है? मैकडोनल्ड्स जाके क्या करोगे? मम्मी बुला रही है घर से, बोला क्या था मुझे एग्जाम आ रही हो, तुझे मैकडी जाने की लगी हुई है? एग्जाम के चक्कर में सुनता नहीं है तू, बड़ी मुश्किल से तो मूवी देखने आया। चले तू ही बोल रहा है सुनता नहीं है, मैकडी जाने का खुद ही बोल रहा है। चल लकी, मुझे तो अपने पेपर का बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। हां यार, अरे यार डोंट वरी यार, 12th बाद भी मैं यही सोच रहा हूं कि अपन तीनों इसी फील्ड में आके एनिमेशन का काम करेंगे। सच बोल रहा है यार। यार ये यहां से सिटी बताने वाली, अपन इसमें चलते हैं। अरे भाई मेरे पास उधर से आएगी, बस इधर चल लेंगे। अच्छा अरे वो कहीं चल। Former sisters of Hiram and the Matrix, please put your bags and stuff to the front wall. You have 60 minutes time. No additives or technological aid are allowed. If someone's diseased. हाँ भाई ऋषि बोल। अबे कितना पढ़ा तूने? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा यार। हाँ यार ये साइंस तो हमारे बिल्कुल भी बस का नहीं है। तूने सही कहा यार, आदिल का तो अच्छा है, उसका तो कॉमर्स है। उसे तो कोई इतनी कोई टेंशन नहीं। भाई चल बाद में बात करता हूँ। कल पेपर का कहीं बाहर मिलते। ओके विश यू ऑल द लक फॉर टुमारो। ओके ओके बाय। यार आज हमारा रिजल्ट आ गया, पर हम इतने नहीं खड़े उतरे जितना हमें उतरना चाहिए था। हाँ यार मेरा भी इंटरेस्ट उसी फील्ड में चले गया जब से हमने मूवी देखी, इसलिए मेरे 12th में ज्यादा मन नहीं लगा। हाँ यार मेरा भी प्लान उस फील्ड का था, इसलिए मेरे 12th में परसेंट कम बने। चलो इस फील्ड के बारे में अपनी मम्मी डैडी से बात करते हैं, क्या हमारे पास इस फील्ड के बारे में मानेंगे? चलो लेट्स सी, जो भी देखते हैं। दिमाग फोकट की बातों पर ध्यान देना बंद करो और अब अपने फ्यूचर की स्टडी पर ध्यान दो। और तुम जो इस एनिमेशन की बात कर रहे हो ना, उसमें आगे कोई स्कोप नहीं है, समझे ना? और तुम आगे डॉक्टरी करोगे तो इंजीनियरिंग करो, उसमें तुम्हारा नाम और शौकत सब रहेगा।
आदिल तुम्हें सिर्फ LLB करना है, इससे तुम्हारी फैमिली की रेपुटेशन बचेगी और तुम जिस फील्ड की बात कर रहे हो इसमें कोई आगे स्कोप नहीं है। यार मुझे मेरी मम्मी ने एनिमेशन करने के बारे में साफ मना कर दिया। उन्होंने बोला तू इंजीनियरिंग करेगा उसी में तेरी नामोशो को सब रहेगी। हाँ यार मुझे मेरे पापा ने मना कर दिया, उन्होंने बोला कि तू LLB ही करेगा। हाँ यार मेरे भी भैया ने मुझे बहुत डांटा और कहा कि अगर तूने एनिमेशन करा तो हमारे खानदान की तू नाक कटवा देगा। ओके भाई विश यू ऑल द लक फॉर योर फ्यूचर। ओके ओके बाय बाय। यू टू आदिल। ओके बाय बाय, मिलते हैं अपन है ना फिर। चलो रोना बंद करो हां और उसे सीधे से घर जाओ। बाय। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। जी लिए एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। ना 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 सर बुला रहे हैं आपको। कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। मैं कमिंग सर। कम इन, हैव अ सीट। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला। बचपन तो गया जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। बचपन तो गया जवानी भी गई, व्हाट इज दिस हां, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। जीने दो, जीने दो। लकी 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 दरवाजा खोल। लकी 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 दरवाजा खोल। लकी 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 लाइट भी ऑफ करके रखती हूँ। लाइट स्विच लाइट का फोन यहीं पर। मैं इस फील्ड से बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ और मैं यह बहुत सोच समझ के कर रहा हूँ और मैं ये जानता हूँ कि यह चीज करने से मेरे माँ बाप को जहाँ भी होंगे उन्हें बहुत दुख होगा, पर मैं अब इस प्रोफेशन से बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ। प्लीज जिसको भी ये सुझाव लेटर मिले प्लीज मेरे माता पिता को इन्फॉर्म कर देना और मैं भी सुसाइड करने जा तू पागल हो गया क्या? ये क्या कर रहा है? मैं क्या करूं यार, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूं। मैंने अपने पेरेंट्स के कहने पर ही फील्ड चूज तो कर ली, पर मैं खुद की नजर में सक्सेस नहीं कह पा रहा। मैं भी अपने प्रोफेशन थक चुका हूँ, मैं भी ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता।
पर मैं तेरे से पागलपंती या बच्चों की तरह नहीं करता। अरे ऋषि, अरे लगे पागल हो गया था या सुसाइड कर रहा था, वो तो सही वक्त पे मैं आ गया वरना ये सब सुसाइड कर लेता। आ जा यार भाई, तू जल्दी आ जा यहाँ पे। मैंने तेरी बात मान ली चल, पर तू अपने माँ बाप के बारे में तो सोच ले। तू पागल हो गया क्या? अपनी लाइफ को हलवा समझ रखा है? अपनी जी तो कम से कम माँ बाप की तो सोच साले। मुझे माफ कर दो, मुझे अपने गलती का पछतावा है, अब आगे से गलती कभी नहीं करूंगा। ऋषि तो भाई वेट, चलो वेट ये सब छोड़ो, मैं ड्रिंक लाया था, चलो पीते हैं। चलो तू ड्रिंक ला, मैं ड्रिंक बना के ला रहा हूँ। भाई रुक, मैं बना के लाता हूँ। अरे भाई मैं बना लूंगा ना। नहीं मैं बना के ला रहा हूँ। चलो ठीक है। यार मैं प्रोफेशन में नहीं आना चाहता था, मैंने ये सिर्फ और सिर्फ अपने मम्मी डैडी के लिए किया है, और अब मैं इस चीज से बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ। क्यों ना हम अपने बचपन के सपने को सच कर दिखाएं? हाँ यार तूने सही कहा, क्यों ना हम अपने कामों में कल से जुट जाएं। yeah! चलो ये गिव मी फाइव। yes! 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 या हेलो सर, या योर प्रोजेक्ट विल बी रेडी इन 3 to 4 days। या ओके, लकी क्या हुआ? क्लाइंट का कॉल आया था, लोगों का बोल रहा था। कॉन्ग्रेट्स ब्रो। कॉन्ग्रेट्स टू। चूंकि मैंने सोना किया है।
क्या ड्यूट व्हाट हैपेंड वेट 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 क्लिक दिस बटन या दिस वन फाइन कॉर्नर सिलेक्शन बटन लाओ सिलेक्ट करो पूरा देन इसको ऐसे स्ट्रेच करना ऐसे एनिमेट करने के लिए हाँ ओके ओके या ऐसे ही करना समझे अपनी मूवी हिट होगी मूवी तो हिट होगी ड्यूट अपनी ड्यू और कंसेंट लिखो ओके 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 कितना हुआ क्या है दिल ने जो चाहा दिल को सब मिल गया है कि मूवी आप किस बेस पे बना रहे हैं या आपको इस मूवी से क्या उम्मीदें हैं देखिए अगर मूवी की बात करती हूँ तो एक पूरी रियलिटी बेस्ड मूवी है एक्चुअली जो स्टूडेंट्स होते हैं जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी अपने करियर को लेके काफ़ी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं बट ड्यू टू सम रीजन मे बी उनके पापा अग्री नहीं होते हैं पापा मम्मा अग्री नहीं होते हैं कभी उनको बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं मिलता है फैमिली बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं मिलता है कभी बाहर के लोग मना कर देते हैं उन्हें जो चीज़ें उनके अंदर की जो क्वालिटीज़ हैं वो उन क्वालिटीज़ को दिखाना चाहते हैं बट ड्यू टू सम रीज़न वो नहीं दिखा पाते तो इट्स अ रियलिटी बेस्ड कॉन्सेप्ट और बिल्कुल बहुत काफ़ी अच्छी मूवी है रियलिटी बेस्ड है तो आपने और अपनी टीम ने इस पर क्या मेहनत करी है आप अगर ये मूवी जब रिलीज करेंगे तो आप क्या ऑडियंस से क्या एक्सपेक्टेशन चाहते हैं कि वो मतलब इसको क्या करना चाहें इस मूवी को देखकर देखिए ऑडियंस की बात करती हूँ तो ऑडियंस डेफिनेटली विल बी वेरी इम्प्रेस्ड विद दिस मूवी बिकॉज द रीजन इज ऑडियंस अगर देखती है बिकॉज मैंने बताया जैसे रियल बेस्ड मूवी है पूरी है ना यंगस्टर को काफ़ी पसंद आएगी इवन ओल्ड एज को काफ़ी पसंद आएगी हमारे मम्मा पापा भी देखेंगे तो उनको भी ये चीज़ समझ में आएगी कि हाँ वाकई में अगर मेरे बच्चे का कुछ मतलब विश है तो मुझे वो विश पूरी करना चाहिए बिकॉज अगर मैं उनकी विश को पूरा करता हूँ तो दे विल डू मच बेटर देन एज कम्पेयर वॉट दे आर प्रोवाइडिंग सो इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट और जनरेशन को भी बहुत पसंद आएगी ऑडियंस को काफ़ी पसंद आएगी और डेफिनेटली इट विल बी सुपर तो जैसे आप यहाँ पे इस थंडरस्टॉर्म प्रोडक्शन में जो वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको अपनी टीम के साथ जब वर्कआउट करते हो तो आपको कैसा लगता है या आपके प्रोडक्शन में मतलब किस तरह से आप लोग वर्कआउट करते हैं काफ़ी मेहनत कर रहे हैं हम लोग टीम स्पिरिट काफ़ी है हम लोग दिन रात भर काम करते हैं अच्छा एनवायरमेंट मिल रहा है हमें हम लोग को काफ़ी इंजॉय करते हुए हम लोग पूरा काम करते हैं और बहुत बहुत अच्छा एनवायरमेंट है हम लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं बेस्ट ऑफ लक टू आदिल ऋषि एंड लकी मेरी और सारी टीम की तरफ से बेस्ट ऑफ लक काफ़ी शुभकामनाएं हैं आपके लिए होपफुली मूवी काफ़ी सक्सेसफुल रहेगी थैंक यू बहुत बढ़िया इट इज वेरी गुड डैम गुड जस्ट ओके एंड द बेस्ट मूवी ऑफ द ईयर अवार्ड गोज टू रियलिटी ऑफ लाइफ And the best VFX award goes to Thunderstorm Productions Private Limited. I request the team members to come here and share the moment.
फीलिंग जो आरोप सबसे पहले मैं सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा एंड मैं अपनी खूब बताना चाह रहा हूँ कि मैं यह अवार्ड सुबह सुबह अपनी मम्मी डेडी को रेडी करना चाहता हूँ मम्मी डेडी को डेडिकेट करना चाहता हूँ और ये कहानी हमारी सच्ची कहानी जो हर एक स्टूडेंट को डेडिकेट होती है जिनकी सारी लाइफ की बेस्ट से डिपेंड होती है थैंक्स सो थैंक यू सर वंस अगेन सर ड्रिंक नहीं यार पहले हम फ्रस्ट्रेशन में पिया करते थे पर अब लाइफ सही है कोई टेंशन नहीं है क्या हुआ लकी लाइफ सही है टेंशन नहीं है यारी का कुकर है सिटी हंसी है जब भी बजी है किसके बजी है यारी का कुकर है सिटी हंसी जब भी बजी किसके बजी किसके बजी 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 लाइफ सही है टेंशन नहीं है लाइफ सही है अपनी तो गीता फ्लोरेंट
ऋषि, लकी, आदि और ऋषि। उन्होंने मुझे जॉब दी, उनकी वजह से मुझे जॉब मिली। पॉइंट उनको मैं बहुत दुआ करती हूं कि उनको बहुत तरक्की।